हेलो एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस तरह से एक साधारण से बिस्किट को हम चटपटा स्नैक बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आता है ये। तो चलिए इसके लिए प्रिपरेशन देख लेते हैं। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये एक मनाइको बिस्किट का पैकेट लिया है और ये मैंने खीरा और टमाटर है जिसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है और खीरे की इस तरह से मैंने स्लाइसेस काट ली हैं। टमाटो सॉस, ये तीन तरह की नमकीन और ये ग्रीन चटनी है जिसे मैंने प्रिपेयर किया है मूंगफली और हरे धनिए से। तो चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं। ये सारे बिस्किट को मैंने अनरैप कर लिया है। अब एक बिस्किट के ऊपर इस तरह से हम एक एक खीरा रखेंगे और इसमें स्प्रेड करेंगे ग्रीन चटनी और अब हम इसमें स्प्रेड करेंगे रेड टमाटो सॉस और इसमें अब हम नमकीन स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, अब सेम प्रोसीजर से हम दूसरा बिस्किट तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर केवल ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस के साथ ये बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें चिली सॉस यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। आप जितना चाहे इसको तीखा और स्पाइसी बना सकते हैं। बट एक्चुअली मैं ये अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो उनके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से वन बाय वन हम एक एक करके सारे बिस्किट्स अपने तैयार कर लेंगे। और अब मैं आपको दूसरे प्रोसीजर से बताती हूँ। ये देखिए, एक बिस्किट के ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे और ये टमाटर और खीरा मैंने चॉप करके रखा है ये थोड़ा सा इसमें स्प्रेड कर देंगे और इसके ऊपर अब स्प्रेड करेंगे हम थोड़ा सा टमाटो सॉस और इसके ऊपर अब हम रखेंगे नमकीन। ये देखिए, इसी प्रोसीजर से सारे तैयार कर लेंगे। तो देखिए, सारे बिस्किट स्नैक्स बनकर हमारे तैयार हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं और जितने ये अट्रैक्टिव दिख रहे हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी ये खाने में होते हैं। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनके लिए ये प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसे ज़रूर से घर पे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स नेगेटिव हों चाहे पॉजिटिव, बट मुझे प्लीज़ कमेंट करें। आपके नेगेटिव कमेंट्स मुझे मेरी वीडियो को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय।